प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक तरफ गठबंधन के सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण बाबा सिद्दीकी के बाद राजस्थान में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। बड़े आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय जयपुर कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। दरअसल पिछले 3 दिनों से मालवीय दिल्ली में डटे थे और लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। रविवार को उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें अमित शाह से मिलने लेकर के गए। दक्षिणी राजस्थान में बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और बीजेपी मालवीय को डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी बना सकती है। मालवीय के बाद लालचंद कटारिया, उदयलाल अंजना के भी कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं इन दिनों सुर्खियों में है। मालवीय के बीजेपी में जाने से ये जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मारवाड़, शेखावटी और पूर्वी राजस्थान से जुड़े कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी भाजपा में एंट्री कर सकते हैं। 24 में कांग्रेस की राह और कठिन होती जा रही है। मध्य प्रदेश टू राजस्थान कांग्रेस के खेमे में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि मालवीय के बाद राजस्थान में कांग्रेस को और कौन झटका देगा? बड़े नेताओं की कांग्रेस से दूरी क्या है इनकी सियासी मजबूरी? चुनाव से पहले और कितने नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे और मोदी का दामन थामेंगे? 24 की चुनावी बेला, राहुल क्या अकेले रह जाएंगे इस बेला में? ये एक अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है, तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी छोड़ी बात यहाँ पर रखी है, ये तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है, एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सीधा सवाल पर आती हूँ, मालवीय के बाद राजस्थान में कांग्रेस को कौन और बड़ा झटका दे सकता है? वाकई कांग्रेस के लिए बेहद दयनीय ये स्थिति होती जा रही है। बिल्कुल शिखा, कांग्रेस के लिए ना सिर्फ राजस्थान लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी अफवाहें चलती हैं, महाराष्ट्र की स्थिति आपके सामने है, और महाराष्ट्र में तो ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की स्थितियां खराब हैं और कांग्रेस के खुद के नेता चर्चा भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो हम बच गए हैं उनका विकल्प क्या बचा है। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये होना ही था। एक बार हर वो व्यक्ति जो स्वार्थ के लिए पार्टी में है उसको जाना जरूरी है। वजह यही है कि राहुल गांधी ना तो किसी को रोकने की कोशिश करते हैं,
एक किस्सा आपको जरूर बताते हैं, क्योंकि आज महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस पे आज आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को सबसे रोमांचक ये एक किस्सा बता देते हैं कि देखिए असल में क्या बात है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया को पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी राजस्थान में, यानी 2018 से पहले जब वो विपक्ष में थी, तब भी LOP नेता प्रतिपक्ष बनाना तय कर लिया था, लेकिन आखिरी में उसको काट दिया और OBC यानी जाट को बना दिया रामेश्वर डूडी को। इस बार वापस से जब सत्ता छोड़कर वो विपक्ष में आती है सत्ता से हारकर, तो वहां पर एक बार फिर उनका नाम तय हो जाता है LOP के लिए, और LOP के लिए नाम तय होता है तब फिर काट दिया जाता है कि दलित को बनाना है। इसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालविया मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने जाते हैं, उनके साथ दिनेश कोडनिया भी जाते हैं जो भी कांग्रेस के नेता है राजस्थान के, दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उनसे ये बात करते हैं कि आप हमें राज्यसभा में हम जाना चाहते हैं और राजस्थान के विकल्पों पर चर्चा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, केवल KC वेणुगोपाल या राहुल गांधी ही इसमें कुछ कर सकते हैं जी। जब ये दोनों बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से जब ये नेता सुनते हैं तो वो वापस पीछे लौट जाते हैं। अब जब महेंद्रजीत सिंह मालविया की चर्चा चल रही थी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनको फोन करते हैं कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तब महेंद्रजीत सिंह मालविया कहते हैं कि कुछ ही दिनों पहले मैं आपके पास आया था, आपने भले ही मेरी बात नहीं मानी हो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आपने कहा कि मेरे बस में ही नहीं है। कुल मिलाकर बात यही है अदिति, बस में नहीं है, ये बात कह करके ये जो तमाम नेता हैं वो टूट रहे हैं।